आज का मेरा टॉपिक है सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये दो टॉपिक हैं अलग अलग, ठीक है। यदि हम इन तीनों के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी जो होती है वो सिर्फ ये बताएगी कि इनपुट में चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, वो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट के डिफाइन नहीं कर पाते हैं सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। पर जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है उनके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंट की जो है क्वालिटी डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। अब ये तीनों स्पेसिफाई होते हैं हर इंस्ट्रूमेंट पे कि सेंसिटिविटी कितनी है इंस्ट्रूमेंट की, एक्यूरेसी कितनी है इंस्ट्रूमेंट की है, और प्रिसीजन कितना है। तो ये तीनों में एक जो बोर्ड लगा हुआ आता है, जो स्पेसिफिकेशन बोर्ड होता है उस इंस्ट्रूमेंट पे, उसमें मेंशन होंगे, ठीक है। उसमें देख के कैसे पता चलता है कि कितनी एक्यूरेट है, कितने प्रिसाइज है, या सेंसिटिविटीज की कितनी है, हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसका आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब कितना जल्दी वो रेस्पोंड कर रही है, ठीक है। कि इनपुट में हमने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में भी चेंज हो रहा है, मतलब वो सेंसिटिव है उस इनपुट के लिए, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इसी तरीके से डिफाइन होती है कि इनपुट में चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, इसके रेशियो को क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी, ठीक है। यदि इनपुट में हल्का सा भी चेंज कर रहे हैं और आउटपुट में क्विकली चेंज हो रहा है, मतलब वो हाईली सेंसिटिव होगी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। यदि हम इनपुट में चेंज कर रहे हैं और आउटपुट में मिनिमम सा चेंज आ रहा है तो वो क्या है, लेस सेंसिटिव होगी या लेसर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम सेंसिटिविटी के फॉर्मूले की बात करें तो उसको के से डिफाइन करते हैं, और के इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज ऑफ आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ इनपुट सिग्नल। मतलब हमने इनपुट सिग्नल में कितना चेंज किया है उसकी वजह से आउटपुट सिग्नल में कितना चेंज हो रहा है, इसके रेशियो को ही बोलेंगे सेंसिटिविटी। इसके जो रेसिप्रोकल होता है या जो इन्वर्स होता है उसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय के। इसको इन्वर्स सेंसिटिविटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी हमने वैल्यू मेज़र किया है तो जो मेजरमेंट आ रही है या जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, मेज़र करने पे जो भी वैल्यू आ रही है आउटपुट में वो उसके ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, उसी को बोलेंगे हम एक्यूरेसी। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि एक मग में, ठीक है, चाय है, ठीक है, उस चाय को 3 बार मेज़र किया जाता है, ठीक है, उसका जो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है वो तो है 120 ml। पर जब हम मेज़र कर रहे हैं तो उसके आउटपुट देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आउटपुट लिखे हुए हैं, 119 ml, 116 ml, 115 ml, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 119 ml की बात करें तो 120 ml की से कितना 1 mm अवे है, सॉरी 1 ml, और 116 की बात करें तो 4 ml अवे है, और 115 की बात करें तो 5 ml अवे। तो यहाँ पे यदि 119 जो मेजर्ड वैल्यू है उससे यदि हम कंपेयर करेंगे ट्रू वैल्यू से, तो सिर्फ 1 ml है जो मिनिमम है इस ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में, तो ये मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग होगी। वहीं यदि 116 आ रहा है आउटपुट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 4 ml अवे हो गया, तो 119 के कंपैरिजन में वो लीस्ट एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है, और 115 ml एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि 5 ml जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ एक्यूरेसी क्या होगा कि ट्रू वैल्यू क्या है, 120, इससे जितनी पास में रीडिंग आएगी वो एक्यूरेसी हाई होगी, और इससे जितनी दूर जाती जाएगी रीडिंग्स उतनी एक्यूरेसी लो होती जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 119 ml को मोस्ट एक्यूरेट और 115 ml को लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग बोला है, ठीक है। तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के जितना क्लोज होगी उतनी ही एक्यूरेसी उसकी हाई होगी। एक्यूरेसी को हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट तरीका जो है वह पॉइंट एक्यूरेसी। पॉइंट एक्यूरेसी का मतलब होता है कि किसी फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट पर उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी हमें पता चलती है पॉइंट एक्यूरेसी से।
दूसरे पॉइंट्स पे कितनी एक्यूरेसी है वो उस पॉइंट एक्यूरेसी से पता नहीं चलता है। मतलब यदि हमें जनरलाइज करना है उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को तो वो पॉइंट एक्यूरेसी से पता नहीं चलता है। यदि ऐसे मेंशन होता है कि पॉइंट एक्यूरेसी इतनी है तो वो पर्टिकुलर उस पॉइंट की ही एक्यूरेसी बताएगा, बाकी जितने भी पॉइंट्स उस स्केल पे उनकी एक्यूरेसी हमें पता नहीं होगी और जनरल एक्यूरेसी भी हमें पता नहीं होती है। जनरल एक्यूरेसी पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी स्केल रेंज पे पॉइंट्स हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स पे हमें एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी होगी या इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है वो मेज़र करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी से हमें एक्यूरेसी पता चलती है, पर पॉइंट एक्यूरेसी सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट की ही एक्यूरेसी पता होती है, जनरल एक्यूरेसी हमें पता नहीं चलती है। दूसरा तरीका है एक्यूरेसी इज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। मतलब एक्यूरेसी को स्केल रेंज के कंपैरिजन में स्पेसिफाई करना। तो यदि हम बात करें, यदि यूनिफॉर्म स्केल होगी तभी हम इस एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म स्केल होने पर यदि हम स्केल रेंज पर डिफाइन करते हैं एक्यूरेसी को, तो मान लो एग्जांपल लेते हैं, यदि किसी स्केल रेंज की या थर्मोमीटर की जो रेंज है वो है 500, यदि स्केल रेंज 500 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें यदि हम देखते हैं कि प्लस माइनस 0.5% ऑफ स्केल रेंज जो है वो एक्यूरेसी बताई गई है, ठीक है। तो यदि 500 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0.5% बहुत मिनिमल होगी, ठीक है, इस इतना इफेक्ट नहीं आएगा। पर वहीं यदि रीडिंग उसकी 25 डिग्री सेल्सियस आ रही है, उसकी एक्यूरेसी पता करनी है, उसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो तरीका है स्केल रेंज में एक्यूरेसी को डिफाइन करने का वो मिसलीड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई रेंज ऑफ हाई स्केल रेंज है तो उसके लिए तो ठीक है, पर यदि वही उसी स्केल रेंज की है उसी एक्यूरेसी के लिए यदि लो रीडिंग आ रही है तो उस सिस्टम की या उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कम हो जाएगी और ये तरीका सही नहीं होता है। तीसरा तरीका है एक्यूरेसी को ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में डिफाइन करना। ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट तरीका होता है एक्यूरेसी डिफाइन करने का, या सबसे सही तरीका होता है। क्यों? क्योंकि मान लो जो ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में यदि हम एक्यूरेसी चेक करेंगे तो ट्रू वैल्यू के जितनी पास रेटिंग्स आएगी तो वो मोस्ट एक्यूरेट, जितना दूर जाएगा तो वो लीस्ट एक्यूरेट और एकदम सही होगा वो तरीका। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में यदि हमें एक्यूरेसी पता करनी है तो हमें परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू की इतनी एक्यूरेट है वो दिया जाएगा। तो सबसे सही तरीका यही होता है कि उसको ट्रू वैल्यू के परसेंटेज में डिफाइन किया जाए। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग्स ले रहे हैं तो जितनी भी हमने रीडिंग्स ली है वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं वो रीडिंग्स, ना कि ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। ट्रू वैल्यू के क्लोज होने पे तो हम एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं, पर जो रीडिंग है वो आपस में कितनी क्लोज हैं, आपस में कितनी पास पास आ रही हैं, ठीक है, तो उससे क्या डिफाइन होता है? प्रिसीजन, ठीक है, परिशुद्धता। तो यदि कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट होगा, और कोई यदि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज हो सकता है, ठीक है। तो हम यदि एग्जांपल में देखें तो यहाँ क्या होगा कि हमने वही सेम एग्जांपल लिया है कि एक मग में चाय है, उसको हमने 4 times मेज़र किया है। 4 times मेज़र करने पे 4 रीडिंग्स आई, कितनी? 100 ml, 101 ml, 102 ml और 101 ml। तो इनमें सब में 1 ml का ही डिफरेंस है जो जो रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो जब 1 ml का डिफरेंस आ रहा है बार बार रीडिंग लेने पे, मतलब वो बार मतलब पास पास आ रही है रीडिंग्स, तो उसको बोलेंगे हम ये इंस्ट्रूमेंट जो है हाईली प्रिसाइज है, ठीक है। और इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 120 ml। तो यहाँ पे 120 ml ट्रू वैल्यू है, पर इनकी रीडिंग्स क्या आ रही है? 100, 101, 102, 101 वापस यही रीडिंग्स आ रही हैं। तो इनमें डिफरेंस जो है ट्रू वैल्यू के साथ वो बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ हम एक्यूरेसी को क्या बोलेंगे? ये पुअर है एक्यूरेसी इस इंस्ट्रूमेंट की, पर जो प्रिसीजन है वो हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी का हम यदि दोनों का रिलेशन देखें तो नेक्स्ट डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में एग्जांपल लिया गया है, जो तीरंदाजी का बोर्ड होता है उस पर निशाने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है उसमें क्या है, जैसे सेंटर पे
है वो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, मेन अपना टारगेट वही होता है सेंटर पे लगाना, तो सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सेंटर पे ही लगे हुए हैं। तो जो ट्रू वैल्यू है उसके पास में कितनी बार गए हैं, 4 बार उसके पास में, जो चारों रीडिंग है उसके जस्ट पास में या उसी पे है, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। प्लस जो चारों निशाने लगे हैं वो एक दूसरे के पास में भी है तो उसको हम प्रिसाइज भी बोलेंगे। सेकेंड यदि डायग्राम देखें तो उसमें जो ट्रू वैल्यू से सेकेंड या थर्ड सर्किल में जाके लगे हुए हैं पर आपस में जो रीडिंग्स है वो पास पास में है, तो यदि आपस में रीडिंग पास पास में है तब तो हम उसे बोलेंगे प्रिसाइज। पर जो ट्रू वैल्यू से वो क्या है, दूर है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे लीस्ट, सॉरी, जो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, पर प्रिसाइज है। थर्ड में यदि हम देखें तो ट्रू वैल्यू के पास में है वैल्यूज पर जो आपस में रीडिंग्स है वो दूर दूर है, तो ट्रू वैल्यू के पास में तो है पर आपस में दूर दूर है, तो हम इसे बोलेंगे एक्यूरेट है पर प्रिसाइज नहीं है। फोर्थ डायग्राम यदि हम देखें तो उसमें रीडिंग जो है बहुत दूर दूर है और एक रीडिंग जो है वो सिर्फ ट्रू वैल्यू के पास में, बाकी सारी रीडिंग्स दूर हैं, तो हम इसे बोलेंगे कि एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है। अब हम दूसरे एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें ट्रू वैल्यू जो है, किसी कप में लिक्विड डाला गया है उसकी ट्रू वैल्यू है 20 ml, हमें उस लिक्विड को मेज़र करना है, तो मेज़र करने पे चार अलग अलग रीडिंग्स आ रही है, ठीक है, चारों बार अलग अलग रीडिंग्स लिए तो हम इसमें देखते हैं कंपेरिजन करके कि कौन सी एक्यूरेट है कौन सी प्रिसाइज है। तो 20 ml ट्रू वैल्यू है, उसके कंपैरिजन में यदि हम फर्स्ट रीडिंग्स को कंपेयर करें तो 20 ml आ रहा है 19.3, 18.8, 18.6, मतलब जो ट्रू वैल्यू के पास में आ रही है वैल्यूज तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट है। प्रिसाइज का यदि हम चेक करें तो 20 ml, 19.3, 18.8, 18.6 इनमें बहुत दूरी है, ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये प्रिसाइज नहीं है। सेकेंड रीडिंग क्या यदि हम बात करें तो यह रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 16 ml, 16.1 ml, 16 ml, 16.2 ml, तो ये ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, तो इसे हम बोलेंगे इसकी एक्यूरेसी पुअर है, बट ये वैल्यू जो है आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो इसको बोलेंगे ये प्रिसाइज है, ठीक है। थर्ड रीडिंग की यदि बात करें तो 20.1 ml, 20 ml, 20.2 ml और 20.1 ml, तो ये ट्रू वैल्यू के पास में भी है क्योंकि 20.1 का डिफरेंस है, 20.2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो पास में आ रही है ट्रू वैल्यू तो इसको बोलेंगे एक्यूरेट भी है, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी है। और प्रिसीजन की यदि बात करें तो ये रीडिंग आपस में भी एक दूसरे के क्लोज हैं तो ये प्रिसाइज भी है। फोर्थ यदि बात करें फोर्थ रीडिंग की तो उसमें 18.6, 17.8, 15.6, 16.2 ये रीडिंग ना तो आपस में पास में है और ना ही ट्रू वैल्यू के पास में है, तो इस रीडिंग के लिए हम क्या बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी पुअर है और प्रिसीजन भी पुअर है।